नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। Hi, my name is Ritik Ghanshani. I'm an actor. And you are watching Sneha Ki Rasoi. आइए आज हम बनाते हैं लौकी की खीर। तो ये हमने लौकी ले ली है। मैं खीर दो लोगों के लिए बना रही हूँ। देखिए लौकी कितनी सॉफ्ट है, आप इसको इस तरह नाखून लगाइए तो एकदम अच्छे से अंदर चला जाता है। देखिए इसमें बीज भी नहीं है। हम इसको सबसे पहले छील लेंगे। लौकी को खूब अच्छे से छील लिया है हमने। लौकी को हमने छील के धो लिया है। अब हम कद्दूकस की सहायता से इसको कद्दूकस कर लेंगे। लौकी देखिए कद्दूकस हो गई है अच्छे से, इसके लच्छे तैयार हैं। अब चलिए खीर की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम खीर बनाना चालू करते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। और हमने गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी। मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। 1.5 चम्मच घी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये हरी वाली इलायची के दाने हैं, मैं इसको इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा तड़कने दूंगी ताकि इसकी खुशबू आने लगे। और जो घी है वो भी मेल्ट हो जाए। ये घी मेल्ट हो गया है, घी की और इलायची की खुशबू आने लगी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये कद्दूकस की हुई लौकी। देखिए आवाज आने लगी है घी की, घी गर्म हो गया है। मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लूंगी। इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि लौकी जो है वो सॉफ्ट हो, बीज वाली लौकी नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट लौकी होनी चाहिए, कम बीज, जिसमें बीज ना हो। अगर आपके पास बीज वाली लौकी है तो आप उसके बीज अलग कर दीजिए छीलने के बाद, काटने के बाद, और उसके बाद आप लौकी को कद्दूकस कर लीजिए बाकी पोर्शन को, और फिर उससे खीर बनाइए। बीज वाली लौकी की खीर थोड़ी सी मतलब कड़वी तो नहीं होती, बट थोड़ा सा मुँह में टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। उसके लच्छे भी बराबर नहीं बनते हैं और बीज के दाने दाने मुँह में आते हैं, जो कि आपके टेस्ट को थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। और एक जैसे लच्छे खूब अच्छे लगते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब मैं इसकी आंच को धीमा कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो लौकी है वो सिज जाए। 5 मिनट हो गया है लौकी को। वाह, लौकी काफ़ी सिज गई है और इसमें जो अब कच्चेपन की खुशबू नहीं आ रही है। जब हमने डाला था तो एक लौकी की बड़ी तीखी खुशबू आ रही थी। अब इसमें से इलायची, घी और पकी हुई लौकी की मिली जुली खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने बादाम, काजू, किशमिश और छुहारा ये चारों छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इनको मैं भूंज लूंगी इसके साथ थोड़ी देर। देखिए ड्राई फ्रूट भी भुन गए हैं खूब अच्छे से। अब
खीर है तो किस चीज़ की बारी आएगी, दूध की। तो मैंने ये एक मग दूध है, तो आप 2 कप के करीब भी ले सकते हैं, 2 लोगों के लिए आप बना रहे हैं। और दूध ऑलरेडी मैंने गाढ़ा किया हुआ है, फुल क्रीम मिल्क है, अमूल गोल्ड, तो ज़्यादा उबालने की बाद में ज़रूरत नहीं है, बस इतनी देर तक उबालना है कि लौकी उसमें एक सार हो जाए, दूध में घुल मिल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी चीनी, आधी कटोरी चीनी है, या 2 टेबल स्पून मान सकते हैं आप इसको, और चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने स्वाद के हिसाब से। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा खाइए, और अगर आप शक्कर आपको नहीं खानी है तो आप चीनी नहीं भी डालेंगे तो दूध और लौकी की अपनी मिठास भी बहुत अच्छी रहती है। अब हम इसको 2-4 उबाल आने तक रखेंगे हीट पे, तब तक मैं ढक्कन लगा देती हूँ और धीमी आंच पे ही रख रही हूँ ताकि उफन के बाहर ना आए दूध। तो ये खीर में खूब अच्छे से उबाल आ गया है, वाह खुशबू भी खूब बढ़िया आ रही है। अगर आप और गाढ़ी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से ये खीर रेडी हो गई है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। लौकी की खीर खाने को तैयार है ना मज़ेदार। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए, खाइए और बताइए आपकी कैसी बनी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई रेसिपी डालूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।